Guys, welcome back and we'll continue further. Dekho, I'm coming to one particular topic that's called Nernst equation. Now, before I teach you this topic, let me give you a little bit introduction. Maximum number of question, ye chapter mein se agar puche gaye to, ye topic mein se, Nernst equation mein se. Obviously, usi mein se puche jane chahiye, kyun, ab jaise topic hum solve karenge, aapko pata chalega. See, ab tak humne jo dekha, kya tha, jaise ki abhi humne ye reaction dekha tha, Zn solid, Cu2 plus 1 molarity, 2 molarity gives Cu solid. उसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट था वो हमेशा कितना लिया, 1 molarity. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास जितना सेल रहेगा और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 molarity होगा, ऐसा नहीं होगा, उससे अलग होगा. तो क्या करें, सपोज आपके पास ऐसे कोई जनरल एक रिएक्शन आ गया और उसके लिए नर्नस्ट ने एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला. वो फॉर्मूला ऐसा है कि अगर वो जनरल नहीं है, ये 1 molarity नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, तो उसके लिए सेल पोटेंशियल कितना. देन नर्नस्ट हैज गिवन अस एन इक्वेशन दैट्स कॉल्ड दैट इज इक्वल टू इनोड सेल 0.0592 अपॉन n log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स. जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू टी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी. चलो मैं एक काम करता हूँ, ये जो थियरी है थियरी बाद में सिखाता हूँ. लेट मी टीच यू अ न्यूमेरिकल फर्स्ट, देन आई विल गो बैक टू थियरी. आपको इजीली समझ में आएगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं बोर्ड का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2018 में ये पूछा गया था. कहाँ पे ये पूछा गया, 2018 में. क्वेश्चन में क्या है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल. राइट द सेल रिएक्शन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल. एंड सेल आपको जो दिया हुआ है, नर्नस्ट इक्वेशन यूज करना आपको तुरंत ही पता चलेगा. क्यों, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इट्स नॉट 1 molarity, इट इज समथिंग एल्स. कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 molarity से अलग है, दैट मींस यू हैव टू यूज नर्नस्ट इक्वेशन. उतना पता चल रहा है आपको, ठीक है. उन्होंने जो सेल दिया, पहले मैं उस सेल को कॉपी कर लेता हूं यहां पे. तो हमें जो सेल दिया गया है वो है Sn solid, Sn2 plus 0.004 molarity, H plus 0.020 molarity, H2 gas 1 bar, और यहां पे लिखा है प्लेटिनम, ठीक है. पहली चीज जो मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं, याद रखना, जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रेशन इलेक्ट्रोड होता है ना, तो यहां पे N में प्लेटिनम लिखना जरूरी है. अगर वो कैथोड साइड पे, हम नॉर्मली ये दो चीज ही लिखते हैं अब तक, बट व्हाट वी नीड टू राइट, प्लेटिनम, बिकॉज उसका रिएक्शन किस पे होने वाला है, प्लेटिनम. अगर ये एनोड पे होता ना, तो शुरुआत में प्लेटिनम लिखते. एनोड पे आएगा तब मैं आपको वापस समझाऊंगा, ठीक है. आपके पास ये है और पूछा क्या है आपको, कि ये दिया गया फाइंड ईएमएफ. देखो ये नॉन स्टैंडर्ड सेल, हाउ कैन वी से नॉन स्टैंडर्ड सेल, किसी को पता है क्यों नॉन स्टैंडर्ड बोलेंगे इसको, बिकॉज इसकी मोलारिटी 1 नहीं है. 1 मोलारिटी होती तो क्या हो जाता, ये स्टैंडर्ड सेल, ठीक है. सबसे पहले आपको दिया है, अगर ये स्टैंडर्ड होता तो इनोट Sn2 plus Sn का वैल्यू दिया, कितना दिया, -0.14 वोल्ट इसका वैल्यू है एनोड का. आपके पास कैथोड का ऐसा वैल्यू है इनोट H plus H2 0 वोल्ट. स्टैंडर्ड हाइड्रेशन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0. वी हैड लर्नड इट, जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे, ये बाय डिफॉल्ट 0 लेना होता है. ये बाय डिफॉल्ट कितना लेना होता है, 0. ये किसका लिया मैंने, इसका. अच्छा, एनोड का रिएक्शन क्या होगा, आपको ये पॉइंट तो आता है, अब क्या लिखोगे, Sn से Sn2 plus 0.004 molarity plus 2 इलेक्ट्रॉन. यहां पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या लिखोगे,
यहां से H प्लस से H2, H प्लस रिसीव वन इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा H2, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन लिखना है कितना है। सेकेंड थिंग, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसलिए पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, टू, और ये एच टू बनेगा, याद रखना। टू से क्या मिलेगा आपको, यहां पे टू मत लिखना, क्यों, क्योंकि टू टू सा कितना हो जाएगा फोर, हमें यहाँ पे टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन कितना देगा, सिंगल एच टू, इसको नहीं लिखना है। इज दिस फाइन, ये समझ में आ रहा है, मैं रिएक्शंस बैलेंस किए, ये लिखोगे आप वन बार, ये क्या हो रहा है रिडक्शन। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, SN solid, 2H plus 0.02 molarity gives SN2 plus 0.004 molarity plus H2, वन बार redox। देखो ऐसे वाले न्यूमेरिकल तो हमने किए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ दो तीन जगह पे, एक तो मोलारिटी का मॉडिफिकेशन किया और सेकेंड थिंग SH को कैसे लिखना वो मैंने नया चीज सिखाया। बाकी ऐसे वाले न्यूमेरिकल अभी हमने प्रैक्टिस किए, दो तीन किए थे कि नहीं किए थे, वो तो आते थे कि नहीं आते थे, बस वैसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। उसके बाद आपको इनोड सेल भी फाइंड करना आता है, इनोड सेल क्या रहेगा, इनोड रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस इनोड रिडक्शन ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या है आपके पास, याद रखना ये लिखना जरूरी होता है, कई सारे स्टूडेंट ये स्टेप को स्किप कर रहे हैं, स्किप नहीं करना है, H प्लस H2 माइनस इनोड, ये जीरो है, माइनस माइनस 0.14 वोल्ट। यहां तक मैंने आपको नॉन स्टिक इक्वेशन का यूज करना सिखाया ही नहीं है, यहां तक तो ऐसा ही टॉपिक था जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हुआ, वन मोलारिटी की जगह पे आपको दिए गए मोलारिटी लिखने, करेक्ट नोट, ये आता है कि नहीं आता, इतना सीखा हुआ है। अभी नॉन्स्ट हमें क्या बताया मालूम, कि जब आपके पास ऐसे नॉन स्टैंडर्ड सेल आता है तब आपको ई सेल फाइंड करने का, ई सेल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यह है, अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू इनोड सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ सी रेस टू सी। अगर आपके पास इक्वेशन ये होता तो ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, उसके लिए हम ये लिखते करेक्ट ऑन, ये नॉन्स का इक्वेशन है। अच्छा देखो व्हाट इज इनोड सेल, हमने जो अभी फाइंड किया वो, हमें फाइंड क्या करना है, इनोड सेल तो पता है, व्हाट इज एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, अच्छा ये रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे पता चलेगा नहीं चलेगा, दो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट नॉट। अच्छा अगर आपके पास ये रिएक्शन होता तो ये वैल्यू डालते, उसकी जगह पे रिएक्शन कौन सा है, ये प्रोडक्ट है एस एन टू प्लस एन एच टू, वो यहां पे चले जाएंगे, एंड ये दोनों क्या है रिएक्टेंट है, वो कहां पे जाएंगे, नीचे। डू यू गेट दिस, इफ यू हैव एन इक्वेशन इन दिस फॉर्म देन नॉन्स इक्वेशन ऐसा है, तो वही फॉर्म में तो इक्वेशन है हमारे पास, तो नेट रिएक्शन है। उन्होंने ये रिएक्शन नहीं दिया था, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, तो उससे ये रिएक्शन कैसे लिख के आना वो मैंने दिखाया, वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, अभी उसका यूज करेंगे नॉन्स इक्वेशन के लिए। सो देयरफॉर नॉन्स इक्वेशन जनरल फॉर्म हमने लिखा है, उसको मैं यहां पे यूज करूंगा, नॉन्स्ट इक्वेशन ये क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, ये क्वेश्चन के लिए बनेगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग, यहां पे आप लिखोगे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस एन टू प्लस इंटू एच टू अपॉन
concentration of essence solid into H plus, उसका क्या आएगा? स्क्वायर, उसका स्क्वायर आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो वो पावर में जाएगा, बाकी सब पावर में नहीं जाएगा, बिकॉज बाकी सब का कोएफिशिएंट कितना है? 1. अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले, ये समझ में आ रहा है आपको? नंस इक्वेशन मैंने जो यूज किया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? आगे ध्यान से देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम एच टू का जो यहाँ पे प्रेशर है ना, वो 1 बार होगा. कितना है? मतलब इसकी वैल्यू 1 लोगे आप. एंड सेकेंड थिंग, जहां पे भी सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट. तो इसलिए नॉर्मली हम इन दोनों को निकाल देंगे, नॉर्मली हम इन दोनों को निकाल देंगे नेक्स्ट स्टेप में. ई सेल इक्वल्स टू इनोड सेल 0.0592 अपॉन एन लॉग. आपके पास खाली बचेगा एंड ध्यान से देखोगे ना, एसएन टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है एंड ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? कैथोड. हमेशा नंस इक्वेशन में एक और एक तरीका याद रखने का है कि एनोड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, पावर को जरा संभाल के लिखना पड़ता है. एनोड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनोड अपॉन कैथोड रहेंगे. अच्छा, वैल्यू डालूंगा. ये फाइंड किया था हमने 0.14 माइनस 0.0592, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 2, लॉग एसएन टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास था 0.004 और कैथोड में था 0.02. ये 004 है, 0.02, 0.14. अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये बनता है 0.0296. इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा एक्चुअली 5. ये बनेगा 5, आई एम नॉट श्योर, एक मिनट वापस देख लेगा. ओके, 1/5 नहीं, ये बनेगा 0.02 का स्क्वायर है. एक मिनट, ये 0.02 का स्क्वायर है, मैंने गलती की, माफ करना. 0.02 का स्क्वायर होता है, अगर आप कंप्लीट करो तो ये बनेगा log ऑफ 10 एंड log ऑफ 10 हमेशा रहेगा 1. 0.14 माइनस 0.0296, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.1104, ये आंसर आता है. We'll continue further. We have one more sum from your book. Okay, sum over here. It says, calculate EMF of the following cell. Again, almost similar sum. Can you see that? The question दिया गया है. Given E naught for this. शुरुआत आप कहाँ से करते हो? जब भी ऐसे question आते, you will write down the cell. आप क्या लिखोगे सबसे पहले? Cell. फिर आप क्या करोगे? इनोड जो दिए वो लिखो, या तो पहले रिएक्शंस लिख लो तीनों, आपको ये करना है, मैं नहीं करवाने वाला. एनोड एंड देन फाइंड क्या करना है? नेट. देन आप फाइंड करोगे इनोड, वहां तक तो आता है. उसके बाद क्या करना है? वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ई सेल इक्वल्स टू इनोड सेल माइनस 0.0592 एन लॉग. ओके, नॉर्मली एनोड का कॉन्सेंट्रेशन अपन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन टू एक्स अपन वाई आएगा. ये पार्ट मैं करवाऊंगा, डोंट वरी. बट उससे पहले इतना पार्ट तो आप क्वेश्चन जरूर लिखिए और यहाँ तक तो फाइंड करके मुझे दीजिए.